80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारी निशुल्क क्लास है और इसको गूगल मीट या जूम के माध्यम से हम जो ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते भी हैं। जो अगर यूट्यूब पर बाद में लिख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 9:30 बजे इसका लिंक शेयर किया जाता है। 9:30 बजे से कुछ समय पहले 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है और उसके बाद में जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो आपको लिंक के माध्यम से पढ़ने का मौका दिया जाता है बारी बारी से। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार हो जाइए। रेडी, यूरिया पर जो सरकार ने अनुदान दिया है, कंपनियां सरकारी तंत्र से मिलकर हड़प जाती हैं, तो इसलिए जो उत्तर है वह उत्तर ठीक नहीं है। अगर एक एक का वर्णन करें तो पता लगता है। जहां तक जानकारी की बात है, जानकारी ठीक नहीं दी जाती है। जहां तक संसाधन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी होते तो मैं उनसे संसाधन की बात पूछता। संसाधन के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ व्यावहारिक लोगों को लाना पड़ेगा। इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, अन्यथा तब तक कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा कि मैं आपस में बातचीत करके इसका मार्ग खोज लूँगा। आपने पैसा देना है और राज्य सरकार को लेना है। यह ज़्यादातर सही रूप में खर्च हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। वह पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, इसका लेखा जोखा राज्य सरकार से लेना चाहिए। उनको इसकी जिम्मेदारी का पता नहीं है। जिम्मेदारी कहाँ पर तय की गई है? अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे प्रयास असफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्षा अगर समय पर हो गई तो ठीक है, समय पर नहीं हुई तो फिर पौधों का जो कोमल पत्ता होता है वह सूख जाता है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसका कोई चिंतन हो, उसका निराकरण हो। हम गरीबी रेखा की बात करते हैं, यह तो उसके ऊपर की रेखा है। इन दोनों समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जहाँ तक फसल बीमा की बात है, इसके साथ साथ हमें जमीन बीमा की बात भी करनी चाहिए। लेकिन कैसे हो, इस समस्या पर चिंतन अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक वित्त मंत्री जी ने कहा कि उत्तर का संबंध है, सब उत्तर टालमटोल के हैं। आज भी वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवादहीनता है। यूरोप में मैंने देखा है कि वहाँ पर वैज्ञानिक खेत में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी वैज्ञानिक खेत में नहीं जाता है और ना ही काम करता है। फिर मैंने यूरिया की बात कही है।
अब मैं यूरिया के संबंध में मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आप जो अनुदान दे रहे हैं वह अनुदान जो कंपनियां हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, दोनों मिलकर बांट लेते हैं। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह कार्यपालिका की आलोचना करें। वास्तव में लोकतंत्री पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिसमें विपक्ष की एक सुनिर्धारित भूमिका होती है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की यह भी जिम्मेवारी होती है कि वह उन नीतियों के परिपालन में बाधक ना बने जिनका संसद में मतदान द्वारा पारित किया जा चुका होना आवश्यक है। एक बार जब उन्हें इस प्रकार पारित कर दिया जाता है तो वे किसी पार्टी की नीतियां ना होकर राष्ट्रीय नीतियां बन जाती हैं। लेकिन इस बात की समझ का अभाव दिखाई देता है। कुछ लोग पार्टियां और ग्रुप संसदीय लोकतंत्र में अपनी आस्था के अभाव को स्वीकार करके अपनी सच्चाई का परिचय देने का साहस करते हैं, लेकिन फिर भी वे अंदर से ऐसी प्रणाली को तोड़ने के लिए उसका अंग बना रहना चाहते हैं। दूसरे लोग संसदीय लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं, लेकिन उसकी भी मूल परंपरा को वे स्वीकार नहीं करते। आजकल इस प्रणाली को स्वच्छ बनाने या उसे बदलने की मांग को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जहां तक मैं समझ पाई हूं, वे स्वयं ही स्पष्ट नहीं हैं कि उनका उद्देश्य ठीक ठीक क्या है। एक के बाद एक तेजी से कई विचार सामने रखे गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने एक बैठक में संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को नए सिरे से व्यक्त किया था। जब मैं उसमें बैठी हुई स्वाधीनता संग्राम के यशस्वी व्यक्तियों के चित्रों को देख रही थी और साथ ही मैंने सोचा कि हम जैसे भाषण अब सुन रहे हैं तथा सदन के बाहर प्रायः जैसी चर्चाएं होती रहती हैं तथा विदेश जाने वाले भारतीय भी जो कुछ कहते रहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इतने ज़्यादा लोग यह क्यों सोचते हैं कि देश की सेवा का रास्ता यह है कि वे इसकी भत्सरना करते रहें। इसी तरह जब लोग विदेशियों से मिलते हैं या आपस में मिल बैठकर चर्चा करते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि उन्हें देश में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करने में बहुत सुख मिलता है। मुझे संदेह है कि कोई अन्य देश ऐसा है जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अपने देश की पद्धतियों को अपने ही लोगों को, और मैं तो कहूंगी कि स्वयं अपने आप को इस सीमा के नीचे
गिराते रहते हों। मुझे नहीं मालूम कि क्या यह कोई गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी है। जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, इसका कारण शायद यही नहीं है कि वे सत्ता से बाहर हैं, क्योंकि उनमें से सभी ने कभी न कभी किसी न किसी राज्य में सरकारें बनाई हैं। जब उन्होंने संयुक्त विधायक दल या संयुक्त लोकतंत्री मोर्चा बनाया था, अथवा ऐसे ही अन्य गठजोड़ किए थे, तब भी एक प्रकार की अपर्याप्तता अथवा असंतुलन उनमें देखने को मिला था। दुर्भाग्य से हमारे अपने दल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास का अभाव है और जो निराशा की भावना से ग्रस्त हैं। सभी इसको गूगल मीट पर आ जाइए, पढ़ते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट।